नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च को फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर इस साल एक विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो इस शिवरात्रि की महिमा में वृद्धि करता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव योग बन रहा है। शिव योग में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर अभिजीत मुहूर्त का समय है। पंचांग के अनुसार 11 मार्च को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:55 तक रहेगा। मान्यता है कि इस मुहूर्त में किए गए कार्यों का अभिजीत फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की प्रहर पूजा का विधान है। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान की पूजा रात्रि के समय 4 प्रहर में करने से विशेष फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि 11 मार्च को प्रातः 12:06 से प्रातः 12:55 तक निशिता काल रहेगा। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत का समापन यानी पारण मुहूर्त 12 मार्च को प्रातः 6:34 से दोपहर 3:02 तक बना हुआ है। इसके साथ महाशिवरात्रि पर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप इस दिन विधि पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। महाशिवरात्रि पर प्रातः काल अभिषेक करने से लाभ मिलता है। इस दिन भगवान शिव की प्रिय चीजों को अर्पण करें और उनका भोग लगाएं। जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु और केतु से निर्मित कोई भी अशुभ योग बना हुआ है, वो भी दूर होता है।